अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द कॉपी वर्क चैप्टर नंबर 6, मोर फीचर्स ऑफ एमएस पावर पॉइंट 2010। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज। इन शॉर्टकट कीज के फंक्शंस को लिखें। शॉर्टकट्स फंक्शंस, कंट्रोल प्लस बी इज यूज टू मेक अ टेक्स्ट बोल्ड, कंट्रोल प्लस यू टू मेक टेक्स्ट अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस जी टू अंडू एन एक्शन, स्केप टू कैंसिल द स्लाइड शो, कंट्रोल प्लस एन टू ओपन अ न्यू स्लाइड। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन स्पीकर नोट। स्पीकर नोट क्या है? द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नोट्स अबाउट द स्लाइड विच इज़ हेल्पफुल टू द यूजर वाइल प्रेजेंटिंग। नंबर टू, व्हाट इज स्मार्ट आर्ट? स्मार्ट आर्ट क्या है? स्मार्ट आर्ट द स्टाइलिश एंड क्विक आर्ट अवेलेबल इन एमएस पावर पॉइंट 2010 टू यूज इन स्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज ट्रांजिशन? ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन कंडीशन और स्टेट टू अनदर कंडीशन। What is animation? Animation क्या है? The technique of creating the slides with moving text and images. Now coming to the long question answers. Open the book. Open page number 74. Long question number 1 क्या है? Explain the three views प्रेजेंट इन एम एस पावर पॉइंट 2010। एक्सप्लेन करें थ्री व्यूज़ को जो प्रेजेंट एम एस पावर पॉइंट 2010 में। हेडिंग देनी है व्यूज़ इन पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हैज़ थ्री मेन व्यूज़। नंबर वन नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और स्लाइड शो व्यू। इस लाइन को कट करें। नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू क्या है? नॉर्मल व्यू इज़ द मेन एडिटिंग व्यू। यू कैन ऐड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट्स एक्सेट्रा इन दिस व्यू। इट हैज़ थ्री मेन वर्किंग एरियाज। फिर हेडिंग देनी है आउटलाइन टैब की। ये लिखना है इन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन यू विल सी टू ऑप्शन, स्लाइड्स एंड आउटलाइन। यहाँ तक लिखना है। फिर ये नेक्स्ट लाइन को कट करना है। फिर लिखना है इन आउटलाइन टैब इट शोज एन आउटलाइन ऑफ योर स्लाइड टेक्स्ट दैट आर डिस्प्लेड एज थंबनेल्स। यू कैन सिंपली एडिट द टेक्स्ट इन द आउटलाइन टैब। यहाँ तक लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? स्लाइड पैन। क्या है? स्लाइड पैन। ऑल द स्लाइड अपीयर्स एज थंबनेल इन दिस व्यू। फिर है नोट्स पैन। नोट्स पैन को लिखना है नोट्स पैन इज प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द एट द बॉटम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्क्रीन। दिस एरिया प्रोवाइड्स यू द स्पेस टू राइट स्पीकर नोट। यहाँ तक। सो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर वन इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। ओपन पेज नंबर 73। What is slide layout? Slide layout क्या है? What are the steps required to change slide layout? Slide layout को change करने के steps क्या हैं? तो slide layout की heading दी। Slide layout contains placeholders to hold various type of contents. Whenever slide layout task pane is open, you have various layouts to select from. फिर यहाँ से to change the slide layout, follow the given step. First point, second, third, fourth or fifth. The selected slide appears in your selected layout. So long answer number 2 is complete. Next, question number 3 kya hai? Describe how to rearrange slides. Hum slides ko rearrange kaise kar sakte hain? Aur answer hai iska yahan se 2. टू री अरेंज द स्लाइड्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। नंबर वन पॉइंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। मूव द माउस पॉइंटर ओवर द स्लाइड यू वॉन्ट टू मूव। नहीं, यहाँ तक नहीं। नेक्स्ट भी है। पेज नंबर 78। पेज नंबर 78 में 5 पॉइंट है, ये वाला कट कर दें। नोटिस दैट एज यू ड्रैग द माउस पॉइंटर द स्लाइड पॉइंटेड इट बिकम्स डार्कर। एंड ये वाला कट कर दें। और फिर 6, रिलीज द माउस बटन द स्लाइड गेट प्लेस इन इट्स न्यू पोजीशन। उसके बाद नेक्स्ट है पेज नंबर 81। हाउ डू यू अप्लाई अ थीम टू स्लाइड? आप स्लाइड में थीम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, इसका आंसर यहाँ से है। टू अप्लाई अ थीम टू सिलेक्टेड स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फिर
थर्ड पॉइंट है सेलेक्ट एनी थीम एंड सी द इफेक्ट ऑन द स्लाइड इन बैकग्राउंड. फोर्थ पॉइंट यहाँ तक द सेलेक्टेड थीम अपीयर्स इन ऑल द स्लाइड्स. उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन हाउ डू यू एडिट थीम्स इन योर प्रेजेंटेशन. एक्सप्लेन करें कि आप कैसे थीम को एडिट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में. तो यहाँ से है टू चेंज कलर्स को कट करके लिखें एडिट. टू एडिट थीम सेलेक्ट द स्लाइड. टू एडिट थीम सेलेक्ट द स्लाइड नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट सेकेंड यहाँ तक द अप्रोप्रिएट बटन्स. appropriate buttons. Okay, next now come to the page number 87. Long question number 6 है write the steps to insert smart art in your presentations. Steps को लिखें अपने presentation में smart art को step कर smart art को insert करने की. तो इसका आंसर यहाँ से है टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट इन योर प्रेजेंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप. सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करें फिर स्मार्ट आर्ट फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप. तो पेज नंबर 88 पर आइए. वहाँ लिखा हुआ है डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. फिर थर्ड पॉइंट 4, 5 और 6 है क्लिक ऑन द टेक्स्ट इन द इंसर्टेड स्मार्ट आर्ट एंड टाइप योर टेक्स्ट इन द स्मार्ट आर्ट. सो लॉन्ग आंसर नंबर 6 इज कंप्लीट. नेक्स्ट ओपन पेज नंबर 89. क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डू यू अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन इन योर प्रेजेंटेशन. आप अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजिशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं. इसका आंसर यहाँ से फर्स्ट पॉइंट क्लिक ऑन द ट्रांजिशन टैब. सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट क्लिक ऑन एनी ऑफ द मेनी ऑप्शंस दैट यू वांट टू सेलेक्ट. और नेक्स्ट पेज नंबर 90 पर आए. पेज नंबर 90 यू कैन आल्सो अप्लाई द सेम ट्रांजिशन इफेक्ट टू ऑल द स्लाइड बाय क्लिकिंग ऑन अप्लाई टू ऑल बटन. ठीक है यहाँ तक 4 पॉइंट तक है. ठीक है अप्लाई टू ऑल बटन. ओके नेक्स्ट पेज नंबर 92. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8. क्या है राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट अ चार्ट इन योर स्लाइड. अपनी स्लाइड में चार्ट को इंसर्ट करने के स्टेप्स लिखें. टू इंसर्ट अ चार्ट इन द स्लाइड फॉलो द गिवन स्टेप. फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट इज लाइक द कैटेगरी ऑफ चार्ट यू वांट टू इंसर्ट इन द स्लाइड. 4.5 उसके बाद नेक्स्ट क्या है 6 पॉइंट है. देन 7 टाइप द डेटा कॉलम और रोल लेबल दैट यू वांट टू इंक्लूड इन द चार्ट. यहाँ तक लिखना है ये वाली अगली लाइन कट करके. फिर ये 8 पॉइंट लिखना है क्लोज द डेटा शीट बाय क्लिकिंग द क्लोज बटन. यहाँ तक सो लॉन्ग आंसर नंबर 8 इज कंप्लीट. नाउ कम टू द होमवर्क. पहला होमवर्क क्या है आपका ग्रुप एक्टिविटी. ग्रुप एक्टिविटी क्या है Divide the class into 4 groups and ask them to create a PowerPoint presentation on festivals of England. ठीक है आपने ये इंडिविजुअल काम करना है. सबसे पहले आपने क्या करना है क्रिएट करनी है प्रेजेंटेशन किस पे फेस्टिवल्स ऑफ इंग्लैंड पे. ठीक है इंग्लैंड के फेस्टिवल्स पे आप नेट से सर्च करें कि इंग्लैंड के कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं. फिर नंबर 2 आपने करना क्या ऐड द स्लाइड ऑफ ब्रिस्टल फेस्टिवल ऑफ नेचर. आपने एक स्लाइड ऐड करनी है इस फेस्टिवल के बारे में ब्रिस्टल फेस्टिवल ऑफ नेचर. ठीक है न्यू फॉरेस्ट फेस्टिवल एंड क्रिसमस. ठीक है इन तीनों फेस्टिवल्स को नेट पे सर्च करना है इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और वो आपने स्लाइड्स में ऐड करनी है. नंबर 3 यूजिंग नेट को यूज़ करके फाइंड द पिक्चर ऑफ दीज फेस्टिवल्स. इन फेस्टिवल्स की पिक्चर्स फाइंड करें एंड इंसर्ट इनटू देयर रिस्पेक्टिव स्लाइड. और रिस्पेक्टिव स्लाइड में इनको इंसर्ट करें यानी कि जिन
स्लाइड्स में आप इन फेस्टिवल्स के बारे में कुछ लिखेंगे लाइंस, उन्हीं स्लाइड में आप वहाँ पर इनकी पिक्चर्स को इंसर्ट करेंगे। राइट सम फ्यू लाइन ऑन दीज फेस्टिवल्स, इन फेस्टिवल्स के बारे में कुछ लाइन्स लिखें। अप्लाई ब्यूटीफुल थीम टू योर स्लाइड्स, अपने स्लाइड में ब्यूटीफुल थीम को अप्लाई करें। एड कस्टम एनिमेशन अफेक्ट टू योर प्रेजेंटेशन, और अपने प्रेजेंटेशन में कस्टम एनिमेशन अफेक्ट जो है वो ऐड करें। अगर नेक्स्ट नेक्स्ट होमवर्क क्या है, ये होमवर्क है मेक अ डिजाइन टेम्पलेट ऑफ योर चॉइस बाय चेंजिंग द बैकग्राउंड स्टाइल स्लाइड कलर एक्सेट्रा। एक डिजाइन टेम्पलेट आपने बनाना है बाय चेंजिंग, क्या चेंज करके, बैकग्राउंड स्टाइल और स्लाइड कलर को चेंज करके। सेव इट विथ अ सुटेबल नेम, सेव करना है आपने इसको सुटेबल नेम के साथ। यूज़ दिस डिज़ाइन टेम्पलेट, और इस डिज़ाइन टेम्पलेट को यूज़ करके टू मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आपने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है ऑन किस पर, क्वीन एलिजबथ पर। आल्सो सेव दिस प्रेजेंटेशन एज क्वीन एलिजबथ वन, किस नाम से आपने इसको प्रेजेंटेशन को सेव करना है, क्वीन एलिजबथ वन के नाम से। क्या करना है आपने, एक डिज़ाइन टेम्पलेट क्रिएट करना है बाय चेंजिंग द बैक, जो आपकी कंप्यूटर में इंस्टॉल टेम्पलेट है उनकी बैकग्राउंड स्टाइल स्लाइड कलर को चेंज करके आपने एक डिज़ाइन टेम्पलेट जो है वो बनाना है। और फिर आपने उसको क्या करना है, उसको सेव करना है। फिर आपने एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है इस टेम्पलेट को यूज़ करके, किस नाम से, किस पर, क्वीन एलिजबेथ वन, क्वीन एलिजबेथ वन के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, उनके बारे में स्लाइड्स बनानी है, और फिर इसको सेव करना है प्रेजेंटेशन को। सेकंड क्या है, मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन इनपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। एक प्रेजेंटेशन आपने बनानी है किस टॉपिक पे, इनपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस पे। आपने कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस के बारे में सर्च करना है, कंप्यूटर की कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं, फिर उन इनपुट डिवाइसेस की हर इनपुट डिवाइसेस की एक एक स्लाइड बनानी है। चेंज द बैकग्राउंड ऑफ ईच स्लाइड, हर स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करना है इन अ डिफरेंट स्टाइल इन योर प्रेजेंटेशन, अपनी प्रेजेंटेशन में डिफरेंट स्टाइल आपने उसको चेंज करना है। सेव दिस प्रेजेंटेशन, इस प्रेजेंटेशन को आपने सेव करना है विद अ सूटेबल नेम, सूटेबल नेम के साथ। सो चैप्टर नंबर 6 इज कंप्लीट।